बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स की बंदूकें खामोश हो गई हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब शांति का माहौल है। भारतीय जवानों के हौसलों के सामने पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी है। सीमा के इस पार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन बॉर्डर पर मिली शिकस्त से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देने की गुस्ताखी की। नरेंद्र मोदी, आपको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो आप अपना मसल दिखा रहे हो सियालकोट के बॉर्डर पे, अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम खौफजदा हो जाएगी और डर जाएगी, गलतफहमी में ना रहो। सीमा पर हिंदुस्तान की ताकत देखकर इमरान खान डर गए हैं। इस घबराहट में वो प्रधानमंत्री मोदी को एक और धमकी देने की हिमाकत कर बैठे। अभी भी बात है, स्टेज पर बनाओ, एक छोटे से तबके को खुश करने के लिए ये मसल मैन ना बनाओ। प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते वक्त इमरान खान ये भूल गए कि सीमा पर गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान ने ही की थी, भारत ने तो सिर्फ उसका करारा जवाब दिया। सीमा ललकार थी ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। इस बार हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन का ऐसा जवाब दिया जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से खुली छूट मिलने के बाद बीएसएफ के जवानों ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। बीएसएफ की कार्रवाई में पाकिस्तानी रेंजर्स के 18 नाके, 21 ऑब्जर्वेशन पॉइंट, 16 वॉच टावर और करीब 50 बॉर्डर पोस्ट पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। 12 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा घायल हैं। पाकिस्तानी आर्मी के जवाब में भारत की बीएसएफ ने 48,000 राउंड गोलियां चलाई, 8,000 मोर्टार दागे। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीमा के आसपास बसे 48 गांवों के करीब 26,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा है। भारत के शक्ति प्रदर्शन के बावजूद इमरान खान अपने देश की शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान की आवाम को लगातार भड़का रहे हैं। ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है, फौज और पाकिस्तानी कौम इकट्ठी है, कोई शिकस्त नहीं दे सकता इस मुल्क को। इमरान जानते हैं कि उनके देश के लिए हिंदुस्तान से मुकाबला करना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर के बारे में बेवजह की सलाह देने से बाज नहीं आए। और नरेंद्र मोदी, एक मेरा मुफ्त का मशवरा है, अगर ये ले लो तो फायदा होगा तुम्हें। मेरा मशवरा ये कि देखो, तुम्हें इतना मौका मिला है, लोगों ने, अब हिंदुस्तान के लोगों ने मैंडेट दिया कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, आप बजाय एक छोटे से तंग नजर इंतहा पसंद तबके के लिए ये जो आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहे हो, बजाय ये करने के आप अगर स्टेट्समैन होते, आपकी अगर बड़ी सोच होती, तो ये सुनहरी मौका था आपका कि कश्मीर का मसला हल करते, कश्मीरियों को उनको हक देते, उनको अपनी अपनी जिंदगी का फैसला करने का मौका देते। इमरान खान की बातों से साफ है कि पाकिस्तानी नेता किसी भी कीमत पर दोनों देशों के बीच शांति बहाल नहीं होने देना चाहते हैं।